पन्ना जिला प्रशासन अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के मामले में सवालों के घेरे में है। अभी तक विपक्ष और मीडिया ही इस मामले को उठाता रहा, लेकिन अब सत्ता पक्ष के विधायक ने भी पन्ना कलेक्टर सहित खनिज विभाग पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने की बात कही है। पन्ना जिले के गुनौर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजेश वर्मा ने बताया कि पन्ना जिले में अवैध रेत उत्खनन जोरों पर चल रहा है। दस से पंद्रह दिन पहले हम चित्रकूट से पन्ना आ रहे थे। अजयगढ़ की घाटी में दो से तीन ट्रक ऐसे चल रहे थे, जिसमें एक ट्रक की तो स्थिति ये थी कि वो बिल्कुल ओवरलोड था। मतलब सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट भी डाली, माननीय कलेक्टर महोदय से भी हमने वीडियो डाल के शिकायत भी की, लेकिन आज तक वो ट्रक पता ही नहीं चला, ना वो ट्रक पकड़ा गया है। और अवैध उत्खनन पन्ना जिले के अंदर रुकना चाहिए। सरकार अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी की कर रही है, लेकिन पन्ना जिले में ऐसा लगता है कि प्रशासन हमारा शायद